आरती संगठनों की हड़ताल का आज पांचवा दिन है। आज अनशन पर जा सकते हैं प्रदेश भर की आरती। आरतियों की हड़ताल के कारण किसान प्रभावित है। मंडियों में बारिश के कारण किसानों की धान भीग रही है, लेकिन आरती हड़ताल पर है तो ये धान वहीं पर पड़ी पड़ी भीगने को मजबूर है। इन्हें प्रणाली विरोध का विरोध कर रही है ये आरती। आढ़त 2.5% मिलने की भी मांग की है इन आरतियों ने। तो देखिए, तमाम मांगे हैं इन आरतियों की और इनको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। सरकार जब तक इस पर सुनवाई नहीं करेगी तब तक ये अपने हड़ताल अपना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रखेंगे। इस बीच आपको बता दें कि किसानों को अब दिक्कतें आने लगी हैं। दिक्कतें इस बात की कि फसल कट चुकी है, अब मंडियों में पहुंचने का समय आ चुका था, फसलों का बाजारों में पहुंचने का समय आ चुका था, लेकिन आढ़तियों ने हड़ताल शुरू कर दी। और इधर बारिश हो रही है, रखने की जगह नहीं है, किधर संभाल के रखा जाए अनाज को, और इसकी वजह से अब उसके खराब होने की नौबत आने लगी है। किसान परेशान हो रहा है और इधर आढ़ती ई नेम प्रणाली का लगातार विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता ये इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह से हड़ताल जारी रखेंगे। आज पांचवा दिन हो चुका है इस हड़ताल का, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। लेकिन हाँ, इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ रहा है किसानों को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पांचवा दिन हो चुका है आढ़तियों की हड़ताल का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए करनाल से मेरे सहयोगी लक्ष्य वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य, आज पांचवा दिन लेकिन कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से जो आढ़ती हैं पूरे प्रदेश भर के, वो लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। करीबन आती 4 से 5 दिन हो चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाल ही में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो निवास स्थान है करनाल में, वहां पर पूरे प्रदेश के जो आढ़ती है वो एकत्रित हुए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक दिन का उन्होंने वेट किया था आरतियों ने कि आखिर कुछ ना कुछ समाधान निकल पाए। ऐसे में जिस तरीके से आज आरतियों द्वारा आह्वान जरूर किया गया था, कहीं ना कहीं वो आज भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। वो देखने वाली बात रहेगी आखिर जो आरती है वो प्रदेश के कितने आरती जो है वो हड़ताल पर, जो भूख हड़ताल पर जाने वाले, वो अभी देखने वाली बात रहेगी। अगर बात की जाए जिले करनाल जिले, तो कहीं ना कहीं करीबन 5 से 6 ऐसे आरती हैं जो भूख हड़ताल की उन्होंने उस जिस दिन जो प्रदेश के जो तमाम आरती पहुंचे थे करनाल, तो उस समय भी उन्होंने आह्वान किया था कि करनाल के करीबन 6 से 7 जो आरती हैं वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। जी लक्ष्य, इस बीच ये भी बताइए कि क्योंकि सरकार इस तरफ कोई अभी ध्यान देती नजर नहीं आ रही है, आरतियों का क्या कहना है, क्या लगता है इन्हें कब तक सरकार ध्यान देगी, इनकी मांगों को सुनेगी, और क्या जब तक नहीं होती सुनवाई ये प्रदर्शन ये हड़ताल जो है इसी तरह से जारी रखेंगे क्या आगे भी? अभी बिल्कुल, आढ़तियों का साफ तौर पर यही कहना था कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे और जो मंडियां हैं वो तमाम ऐसी ही वहां बंद रहेंगे। और अब जिस तरीके से सरकार भी कहीं ना कहीं प्रयास इनसे बातचीत करती हुई नजर भी आ रही है, जिस तरीके से बात की जा रही है कि सरकार कहीं ना कहीं समाधान निकालने का प्रयास करेगी ताकि क्योंकि सीजन है, क्योंकि मंडी का इस समय सीजन है और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये चिंता सता रही होगी कहीं ना कहीं कि जब तमाम आरती हैं प्रदेश भर के वो हड़ताल पर है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीच का समाधान है वो निकालने का प्रयास। ठीक है लक्ष्य, आप बने रहिए क्योंकि मेरे सहयोगी विपिन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, आरतियों की नहीं किसानों की तो समस्या दिख रही होगी सरकार को भी। जी, अभी अभी हमने कुछ देर पहले जिला के प्रधान अश्विनी शोरे वाला उनसे बात किया है। उनका कहना है कि बारिश का समाधान हमारे पास नहीं है, लेकिन हम फिर भी किसानों के साथ हैं और उनका कोई ना कोई हल निकालेंगे, पर हम हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी। किसानों का वो क्या हल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में उन्होंने कोई रूपरेखा नहीं दी है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे 7 से 8 साथी करनाल में आते आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब आगे की रणनीति शाम तक तय की जाएगी, सरकार की तरफ से कुछ बात होती है या नहीं होती है इसके बाद डिसाइड किया जाएगा। विपिन, ये भी बताइए कि अब किसानों को कितना खामियाजा इसका उठाना पड़ रहा है। जी, आप देखें तो कैथल में पूरी रात से बारिश हो रही है और सुबेरे तो मैं कहूंगा कि मूसलाधार बारिश हो रही है। मंडी का जो हाल है वो बेहाल हो चुका है और जीरी पूरी तरह से भीग रही है। कहने को तो आरती कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ है,
जब जीवी बह जाएगी तो कोई भी किसान को पेमेंट करने वाला ऐसा नजर नहीं आ रहा। चलिए ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया। लक्ष्य आपका भी बहुत शुक्रिया खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। आरती है कि हड़ताल से हटने को तैयार नहीं है, किसान परेशान हो रहे हैं, सरकार कब सुनवाई करेगी ये बड़ा सवाल है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। शहीदी दिवस पर अमर योद्धाओं को सीएम ने नमन किया है। शहीदी दिवस पर अमर योद्धाओं को नमन, सीएम मनोहर ने मातृभूमि की रक्षा करने वालों को नमन किया है। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के शहीद को मुख्यमंत्री ने याद किया। अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले इन शहीदों को नमन किया जा रहा है। शहीदी दिवस पर आज सीएम मनोहर लाल योद्धाओं को नमन करते नजर आए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, शहीद तुलाराम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने याद किया। सीएम मनोहर लाल ने मातृभूमि की रक्षा करने वाले योद्धाओं को नमन किया। ट्वीट करके उन्होंने शहीद राव तुलाराम को नमन किया। और इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए।